36 का माइलेज दे रहा है, 4B आफ्टर रिटर्निंग लद्दाख ट्रिप। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी घर घुसने वाला हूँ। कैसा क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। तो पापा के दुकान पे मैं गया था, वो लोग तो भाई उधर तो लोग गैदर्ड हो गया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कानपुर। तो अभी हम कानपुर से निकल गए हैं टूअर्ड्स गया। तो आज का डेस्टिनेशन है गया, बिहार का जो गया है ना वो प्लेस हम लोगों का आज डेस्टिनेशन है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:22, थोड़ा बहुत देर हो गया हम लोगों को। आज आज 7 बजे तक निकलने का प्लान था भाई, हम लोग 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लेट चल रहे हैं भाई। कहाँ से लेट हो गए हम लोगों को नहीं पता भाई, पर गाड़ी खींचना पड़ेगा आज भाई। वेदर भी क्लियर हो गया, बारिश बारिश से कोई चक्कर भी नहीं है। तो आज भाई बहुत सारा गाड़ी को खींचना पड़ेगा। हम लोग जस्ट टी और चाय और बिस्कुट खा के ही निकल गए हैं, ब्रेकफास्ट करने की टाइम नहीं था हम लोगों के पास। तो क्या करें, आज बहुत सारा रास्ता कवर करना है, ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर। तो देखते हैं होता है या नहीं होता है ऊपर से ये रास्ता। तो चलो फिलहाल गाड़ी को थोड़ा बहुत भगाते हैं, उसके बाद एक जगह पर रुक के आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पे घुस गए। बहुत दिनों से भाई यूपी पे चला रहा था, उत्तर प्रदेश पे, पर फिलहाल हम लोग अभी बिहार इंटर कर चुके हैं। तो बिहार में हम लोगों को धानबाद तक जाना पड़ेगा, उसके बाद सॉरी जो बिहार का आगरा तक जाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम लोग को झारखंड मिल जाएगा। तो आज अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट चार बजने वाला है, 3:58 हुआ है। तो आगे आप पहाड़ देख सकते हो। तो भाई हम लोगों ने आज 480 किलोमीटर कवर कर लिया अभी तक भी, 9 बजे तक गाड़ी छोड़ के बाइक स्टार्ट करने के बाद। तो अभी पता नहीं भाई, दिन तो दिन का लाइट्स बहुत है, डेलाइट्स बहुत है। तो अभी हम लोग और 100 या 150 किलोमीटर तो चलाएंगे ही। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते नहीं पहुँचते, के अपडेट तो मैं आपको देता रहूँगा। अभी तक भाई कुछ देर पहले ना भाई इतना गर्म था ना भाई, इतना गर्मी था तो यूपू में, तो हम लोग ने ब्लॉग करने की कोई इच्छा नहीं था भाई। हम लोग बहुत डिहाइड्रेट हो गए थे, अभी भी डिहाइड्रेट हो गए हो रहे भाई, क्योंकि भाई इतना पानी पिया पर टॉयलेट नहीं हो रहा है यार भाई। हम लोग तो भाई क्या बताओ, इतना पानी पी रहे हैं ना भाई, क्या बताओ। तो आप लोगों को मैं सजेशन यही बताऊँगा कि जितना पानी पी सकते हो तो पियो, और अगर पॉसिबल हो तो डिहाइड्रेशन बैग, जो हाइड्रेशन बैग आता है ना वो खरीदो। वो हम लोगों के पास नहीं है, वो एक ड्रॉबैक है, पर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर मैं खरीद के लेके आऊँगा हाइड्रेशन बैग। तो फिलहाल अभी हम एक टोल प्लाजा क्रॉस किए, इसीलिए थोड़ा बहुत हमें जैम वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, पर उसके साथ साथ दूर में पहाड़ भी दिख रहा है। तो चलो थोड़ा ट्रक के आगे जाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। हाँ भाई देखो, दूर में पहाड़ दिख रहा है भाई। झारखंड में आके फिर से हम लोगों को पहाड़ नसीब हुआ, तो ऐसा बिहार पे आके तो ये झारखंड में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो वाह भाई, 3 दिनों से हम लोग पहाड़ के बिना चला रहे थे बाइक, तो आज हम लोगों को फिर से पहाड़ दिख गया भाई। तो और जाने वाले टाइम में पहाड़ देख के जितना एक्साइटमेंट हो रहा था ना भाई, अभी उतना नहीं हो रहा है। अभी घर जाने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, कितना किलोमीटर कितना टाइम पे कवर कर सकूँ। पर और एक बात, मेरा गाड़ी आज बहुत फ्यूल पी रहा है भाई, इतना फ्यूल पी रहा है ना भाई, क्या बताओ। हम लोग 200 किलोमीटर के शायद डिस्टेंस पे मैंने फ्यूल भरा था फुल टैंक, पर अभी देख सकते हो सिर्फ 2 बार बचा हुआ है, चला है सिर्फ 480 किलोमीटर। तो भाई फ्यूल बहुत ज़्यादा पी रहा है, इसका रीज़न भी है क्योंकि भाई ऑयल ख़राब हो चुका है। इंजन ऑयल जो मैंने ले में डलवाया था वो ऑयल ख़राब हो चुका है, और जो ख़राब हुआ है भाई, जो चेन क्लीन नहीं है, चेन से बहुत ज़्यादा गंदा आवाज़ आ रहा है भाई। तो चेन का मैं लूप करके अभी घर जा रहा हूँ, तो घर जाके ही मैं क्लीन करवाऊँगा, तो इसीलिए फ्यूल पी रहा है। और एक बात, गाड़ी का जो एयर फिल्टर है ना भाई, बहुत ज़्यादा धूल चिपका हुआ है उस पर, तो शायद इसीलिए गाड़ी अच्छी तरह से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, इसीलिए शायद हो सकता है कि गाड़ी थोड़ा बहुत फ्यूल पी रहा है। तो अभी मैं गाड़ी को फ्यूल पीने ही दूंगा, ये पी भाई, इतना फ्यूल चाहे फ्यूल पी, मैं तुझे पिलाऊंगा, पर ठीक ठाक से घर चल, उसके बाद 1 दिन या 2 दिन बाद ही तुझे फटा बढ़िया वाला कंपनी वाला से सर्विस करवाऊंगा भाई। तो वो वीडियो ही मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो फिलहाल आप लोग पहाड़ का नज़ारा थोड़ा एंजॉय करो।
तो चलो पहाड़ के थोड़ा बहुत क्लोज जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग फिर से एक नदी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यह नदी तो बहुत ही छोटा है, देख सकते हो यहाँ पर भैंस वगैरह नहा रहा है। तो भाई देख सकते हो पूरा सूख चुका है, भाई पूरा सूख चुका है, दूर से दूर पूरा सूख चुका है, देख सकते हो पानी एकदम भी नहीं है, एकदम भी पानी नहीं है। थोड़ा बहुत पानी है तो वो ठीक ठाक नहीं है भाई, तो गंदा लग रहा है मुझे। तो भाई पुल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है पुल। तो भाई साहब ट्रेन आ रहा है, देख लो, देख सकते हो उस पुल से ट्रेन जा रहा है। ओह क्या लग रहा है, क्या मौसम है। तो थैंक गॉड आज बारिश नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग के उधर तो दोस्त लोगों को फ़ोन किया था, वो बता रहे थे भाई कल आज बहुत बारिश हो रहा है वेस्ट बंगाल पे, कोलकाता पे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई बारिश का मौसम अभी तक भी हम लोगों ने फेस ना ही करना हो वो ही अच्छा है। तो अभी तक हम लोग चले आए हैं, 500 किलोमीटर कवर कर लिया, तो 507 हो गया। तो टाइम हो रहा है 4:21, तो देख सकते हैं और कितना देर तक हम लोग राइड कर सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब तक लाइट्स आएगा, डे लाइट्स आएगा, तब तक हम राइड करते रहेंगे। तो देखा जाए कितना दूर जा सकते हैं, नहीं जा सकते। गुड मॉर्निंग फ्रॉम झारखंड। तो कल हम एक होटल पे रुके हुए थे झारखंड में, धानबाद से थोड़ा बहुत पीछे, तो बाड़ी नाम का एक जगह पे रुके हुए थे कल हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों का घर का डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। तो भाई आज ही घर पहुँच जाएंगे, उसका एक अलग मज़ा आ रहा है। तो देख सकते हो हम लोग अभी जो रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते के आसपास पहाड़ वगैरह सब कुछ है। तो जस्ट हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, जो छोटा करके चाय नाश्ता कर लिया, क्योंकि भाई हम लोगों को सुबह उठ के चाय नहीं मिला। तो हम लोग रास्ते में थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी लिया, चाय और समोसा। तो अभी हम राइड करेंगे, जितना जल्दी हो सके घर जाने का ट्राई करेंगे, पर सेफली जाएंगे। तो भाई क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आज हम घर जा रहे हैं और रोड भी बहुत ही बढ़िया वाला है यहाँ से। भाई आसनसोल का तो रोड बहुत ही बढ़िया है, उससे आगे उतना भी बढ़िया है NH2। तो आप लोगों ने पहले तो बाद मेरा वीडियो में देखा ये NH2 का कंडीशंस। तो भाई चलो फिलहाल घर के तरफ जाते हैं। टाइम हो रहा है 7:46, हम लोग बहुत ही जल्दी होटल से निकल गए थे भाई। हम लोग तकरीबन 5 तक उठ गए थे, उठ के रेडी होके 6:30 तक हम लोग निकल गए थे। तो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर चाय वगैरह खाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो फिलहाल ऑल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जाएंगे कलकत्ता की तरफ। ओ भाई सामने का नज़ारा देख सकते हो, पहाड़ वगैरह है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आगे भी बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा आप लोगों को, तो मैं दिखाऊंगा, वेट एंड वॉच। सो फ्रेंड्स रास्ते आगे इतना अच्छा है भाई, मैंने और नहीं सहन कर पाया, गाड़ी का पूरा जो एक्सलेटर है पूरा घुमा डाला। तो गाड़ी देख सकते हो 113-118 पे जा रहा है। तो भाई मज़ा बहुत आ रहा है भाई, सुबह सुबह इतना अच्छा रोड मिलके इतना स्पीड में भगाने का भाई मज़ा ही कुछ अलग है। पर मुझे पता है इतना स्पीड में भगाना नहीं चाहिए भाई, गाड़ी थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, पर क्या करें भाई इस रोड पे, इससे नीचे भाई गाड़ी चलाना मुश्किल है मेरे लिए अभी हो रहा है। कि भाई मेरे पास अभी RC होता तो भाई इस रोड पे 150-130 खींच देता। तो चलो फिलहाल RC नहीं है, इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो 120 तक चले जा रहा है, तो नॉट बैड। तो भाई क्या लग रहा है भाई, आगे ट्रैफिक है, शायद स्लो करना पड़ेगा। ओह देखा हाई रोड, ऐसे लोग पार कर रहा है, NH क्रॉस कर रहा है, ऐसे दोनों तरफ दिखने का कोई नाम ही नहीं है भाई। ये हम लोगों ने कल से भाई बहुत बार फेस किया, पर कैमरे के सामने आज हुआ, पर कल हम लोगों ने बहुत फेस किया ऐसे सिचुएशन। तो भाई रोड पे हमेशा दोनों साइड देख के चलाना और हॉर्न ज़रूर यूज़ करना भाई। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे चले आए हैं।
ये जो पुल स्टार्ट होता है भाई झारखंड से और ख़त्म होता है वेस्ट बंगाल पे, देख सकते हो भाई कुछ ऐसा नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई इस पुल पे। पहले भी आप लोगों ने पहले वीडियो में भी इस पुल को आप लोगों ने देखा था। तो अभी फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है 8:52, हम लोग वेस्ट बंगाल पे एंटर कर चुके हैं। मेरा फ़ोन में भी SMS आ चुका है वेलकम टू वेस्ट बंगाल। भाई बहुत दिनों के बाद वेस्ट बंगाल पे आके भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भैया बहुत ही पीछे है तो भैया के लिए थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। तो चलो अच्छे से एक पेट्रोल पंप देख के रोकते हैं गाड़ी को, और गाड़ी तो भाई बहुत सारा फ्यूल फिर है ना भाई, तो इसीलिए गाड़ी भाई देखो जब निकला था तो एक बार नहीं था, तो बाकी अभी कितना बार घट गया है। तो फ्यूल अप करवाते हैं। मैं कल ट्रिप 2 भी 0 करवा लिया था, तो आज माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा। पेट्रोल भरवा के देखते हैं कितना चला है, वो डिवाइड करके देख लेते हैं माइलेज कितने दे रहा है, ये लद्दाख से आते टाइम ये गाड़ी कितना माइलेज दे रहा है। तो सामने मुझे फ्यूल पंप दिख रहा है, तो चलो फ्यूल अप करवाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने टंकी फुल करवा लिया, पर्ची भी मिल गया, तो चलो देख लेते हैं कितना माइलेज दिया है। तो अभी तक मेरा बाइक चल चुका है 249.9, एक सेकेंड ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 249.9 डिवाइडेड बाई देख सकते हो यहाँ पर है 7.02 लीटर भाई मेरा माइलेज आ रहा है। देखो देखो 35.59 का माइलेज आ रहा है, 36 का माइलेज दे रहा है 4B आफ्टर रिटर्निंग लद्दाख ट्रिप। लद्दाख करने के बाद जब घर आ रहा हूँ तो मेरा 4B ऐसा माइलेज दे रहा है, क्या बताए भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। गाड़ी का शायद स्पार्क प्लग चला गया, एयर फिल्टर चला गया, मोबिल चला गया, इसीलिए इतना बुरा माइलेज दे रहा है। पर इससे आगे मैंने माइलेज टेस्ट किया था तो भाई 45 का माइलेज में मिला था मुझे। तो फिकर नॉट, इसको पीने देते हैं, बहुत मुझे अच्छी तरीके से लेके गया और लेके आया, तो तू पी ले भाई, और भी पीना चाहता है तो मैं फिर भी पिला दूंगा तुझे। तो फिलहाल 9 बज चुके हैं, हम लोग आसनसोल पे हैं, तो यहाँ से हमारा घर का किलोमीटर डिस्टेंस सिर्फ 200 किलोमीटर होगा। तो भैया पीछे है, भैया के लिए वेट कर रहे हैं, भैया को आने देते हैं फिर राइडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग वेस्ट बंगाल के आसनसोल क्रॉस कर रहे हैं। तो भैया आगे निकल गया सिज्जल भैया, मैं थोड़ा बहुत पीछे हो गया। तो वेस्ट बंगाल में घुसते ही भाई बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, रास्ता देख सकते हो पूरा भीगा भीगा सा। तो आई होप घर जाने तक बारिश ना हो, आई थिंक वो नहीं होगा क्योंकि दुर्गापुर बर्धमान क्रॉस करने से ही हम लोगों को शायद बारिश मिल जाएगा। तो पता नहीं भाई, सब लोग बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो हम लोगों को भी शायद बारिश मिलेगा ही, क्योंकि आसमान का हालत देख सकते हो बहुत ख़राब है, आगे मुझे क्लाउडी सा लग रहा है। तो फिलहाल जो हम लोगों का टाइम हो रहा है अभी 9:30 बज चुका है, अप्रोक्स हम 4 घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं, हम लोग ज़्यादा ओवरस्पीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि रास्ते में पानी है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। तो धीरे धीरे करके जाएंगे दुर्गापुर की तरफ, उसके बाद वर्धमान, उसके बाद जाएंगे घर की तरफ। तो चलो फिलहाल चलते। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 10:27, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुका है, हम लोग दुर्गापुर क्रॉस करके अभी जा रहे हैं वर्धमान की ओर। वर्धमान यहाँ से 25-30 किलोमीटर से अभी यहाँ से, तो वर्धमान तो शायद 11 बजे तक पहुँच जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो शक्तिगढ़ में लैंगचा खाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ चाय और एक समोसा खाया था, तो अभी वो भी 8 बजे तक, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाना है, और यहाँ से कलकत्ता का डिस्टेंस दिखा रहा है 150 किलोमीटर्स ओनली, तो अप्रोक्स हमारा घर भी उतना ही किलोमीटर तक होगा। तो भाई आई थिंक 2 बजे के अंदर पहुँच जाएंगे, लंच वंच करके थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं रास्ता, तो भाई वर्धमान का जो रास्ता है ना भाई एकदम मस्त है, यह रास्ते तो मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो फिलहाल चलो चलते हैं दुर्गापुर क्रॉस करते, उसके बाद शक्तिगढ़ में घुसते हैं लैंगचा खाने के लिए।
আর ফোন করেছি, মোটা ফোন তুলে ফোন করেছিল। আর 5 লাগি একবার দাঁড়াবো, একটা থামস আপ খেয়ে নিতে হবে। সো ফ্রেন্ডস, টাইম হো রা হ্যায় অভি 4:47। তো আবি হাম আপনে খুদ কে এলাকে মে ঘুস গয়ে ভাই। তো আবি হাম আমারে ঘর সে সিরিফ ক্যা বতাও 10 या 12 किलोमीटर দূরি পেই হ্যায় ভাই। বহুত জ্যাদা এক্সাইটেড হো রা হ্যায়। তো ভাই ক্যা বতাও। তো ভাইয়া এক সন্তনু ভাইয়া থা জো কি হাম লোগো কো বহুত अच्छी तरीके से गाइड किया था, मैकेनिकली और फ़ोन पे भी गाइड किया था लद्दाख घूमने के बारे में। तो उन लोगों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो भैया के दुकान पे ही थे हम लोग अभी, तो भैया के साथ कॉन्ग्रेचुलेस किया भैया लोग हम लोगों को, और मिठाई भी खिलाया, तो फ़ोटो वोटो भी खिंचाया। तो क्या बताओ भाई, बहुत ही अच्छा एक वाला फीलिंग हो रहा है। तो मैं विश्वास ही नहीं कर रहा कि भाई उमलिंग लेकर के लद्दाख करके भाई पूरा एक्सट्रीम लद्दाख करके मैं घर जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है भाई। तो भाई लद्दाख जाने से पहले और लद्दाख पहुँच के जो खुशी नहीं हुआ था, तो आज लद्दाख कंप्लीट करके पूरा सर्किट कंप्लीट करके हम लोग जो पूरा अच्छी तरीके से स्वस्थ टाइप के स्वस्थ होके हम लोग जो अभी घर हो आ रहे हैं ना भाई सेफली, तो उससे भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है भैया को और मेरे भी। भाई अभी हम लोगों को दोस्त लोगों सब कॉल किया, भाई कहाँ है तू, कहाँ पर है, वो लोग वेट कर रहे हैं भाई हम लोगों के लिए। भाई बहुत ही अच्छा एक वाला फीलिंग आ रहा है भाई, अभी लग रहा है कि भाई हाँ भाई राइडर बन चुका हूँ एट लास्ट। तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और रास्ते में लोगों का रिएक्शंस भी भाई नोट करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा गियर अप में है और कैमरा हेलमेट लगा के है, तो लोगों को तो भाई पूछेगा ही जो रास्ते में जो लोग पहचानेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अभी घर घुसने वाला हूँ, कैसा क्या रिएक्शन होगा पता नहीं। तो पापा के दुकान पे मैं गया था, वो लोग तो भाई उधर तो लोग गैदर्ड हो गया था। तो अभी मैं घर घुसने वाला हूँ, इस यहाँ से मैं निकला था तो अभी यहीं घुसने वाला हूँ मैं। तो पता नहीं भाई कैसा रिएक्शन आएगा क्या आएगा। ओ भाई ओहो भाई घर घुसने वाला हो, मम्मी को देखूंगा तो। माँ finally,